भारत 24 चैनल की ग्लोरियस 2 इयर्स कंप्लीट हुए हैं, साल पूरे हो रहे हैं, तो एक बार जोरदार तालियां 2 साल के पूरे होने पर। और इस खास मौके पर सबसे पहले केक कटिंग करते हैं और उसके बाद चाहेंगे कि सर 2 शब्द कहें। आइए सर। सर आपकी तरफ से 2 शब्द इन 2 खास मौकों पर और सबसे पहले 2 साल पूरे होने पर भारत 24 के। आज के इस फंक्शन में सबसे पहले मैं अपनी सिस्टर कंसर्न फर्स्ट इंडिया के परिवार का, उनके नए सीईओ का स्वागत करता हूं और फर्स्ट इंडिया के डायरेक्टर वीरेन चौधरी ने भी इस समारोह की सफलता की शुभकामनाएं की हैं। और 2 शब्द फर्स्ट इंडिया के बारे में, इसलिए जो तुमने कहा पहला प्यार, जी सर हमेशा कि वहां का सारा दफ्तर जो है वो बिल्कुल टोटल आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है। आप सब लोग जाएं वहां एक बार, जरूर जयपुर जाएं तो वहां देखें जाके कि किस तरह नए सीईओ पवन अरोड़ा ने उसका टोटल कायाकल्प किया है। और 2 वर्ष पूरे होने पे एक वोट ऑफ थैंक्स पवन अरोड़ा के लिए, जिन्होंने जिन्होंने बहुत कम लोग जानते हैं, उमर भाई जानते हैं कि यहाँ का सारा आर्किटेक्ट फर्स्ट इसका भारत 24 का डिजाइन सारा ये सब आपके सजने से हुआ था। तो आज ये प्रॉपर दिन है कि हम उन्हें इसको एक्नॉलेज करें और उन्हें थैंक यू कहें एक तरह से जो है। इसके साथ ही फर्स्ट इंडिया के वो लोग जो आज यहाँ नहीं आ सके हैं, भारत 24 से जुड़े हुए हैं, जो ललित है और लोग हैं अपने, विशाल है कई हैं, तो उन सब का भी वोट ऑफ थैंक्स, एक आभार इस तरह से कि दोनों परिवारों को साथ लेके हम लोग चले हैं। अब जहाँ तक भारत 24 की 2 वर्ष की यात्रा का प्रश्न है, हमें इस बात पे गर्व है कि यह चैनल न केवल 2 साल जिंदा है बल्कि अगले 10 साल के लिए जिंदा है। आप जानते हैं शशि भाई कि नोएडा में चैनल्स की कतार लगती है खुलने वालों की, आते हैं बंद होते हैं, और खासकर से व्यक्तिवादी चैनल जो किसी बड़े ग्रुप से जुड़े हुए नहीं हैं। 2 साल यहां पर पूरे हुए हैं और इस 2 साल में भारत 24 ने देखिए देश की आवाज को उठाया। तो बेहद खास तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया की न्यूज रूम से। ये तस्वीरें जरा आप देखिए कि किस तरह से आज सेलिब्रेशन फर्स्ट इंडिया की ऑफिस में। फर्स्ट इंडिया की सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा सर आपको नजर आ रही होंगी, पूरा फर्स्ट इंडिया परिवार यहां पर है। फर्स्ट इंडिया न्यूज की न्यूज एडिटर जिनेंद्र सिंह शेखावत यहां पर मौजूद है, फर्स्ट इंडिया न्यूज की एसोसिएट एडिटर श्वेता मैम नजर आ रही हैं। तो बेहद खास तस्वीरें क्योंकि भारत 24 ने 2 साल पूरे यहां पर किए। सर बेहद खास मौका है, एक तरफ तो हम आजादी का जश्न मना रहे हैं, दूसरा हमारा अपना नेशनल चैनल भारत 24 आज जो 2 साल पूरे कर चुका है। सबसे पहले तो मैं आप सबको और भारत 24 की पूरी टीम को और हमारे चेयरमैन और आप यूँ कह सकते हैं कि भारत 24 के फाउंडर डॉक्टर जगदीश चंद्रा, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसा अभी भारत 24 नोएडा में पूर्णिमा जी कह रही थी कि फर्स्ट इंडिया सर का पहला प्यार है, तो पूर्णिमा जी आप ध्यान दीजिए, आपने सर को वहाँ फिजिकली बुला लिया, लास्ट टाइम आपने कंप्लेंट करी थी, लेकिन सर का दिल यहीं छूटा हुआ है अभी भी तो फिजिकली तो सर वहाँ चले गए हैं लेकिन उनका दिल यहीं छूटा हुआ है। तो खैर बहरहाल
सर ने पहला मेंशन ही फर्स्ट इंडिया के लिए किया और यू मेड माय डे, आपने इतना बड़ा क्रेडिट आज मुझे सार्वजनिक रूप से दे दिया, तो उसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है इस बात की कि जेसी सर के मन में बहुत समय से था कि एक नेशनल चैनल खोलना है, तो कोई व्यक्ति कोई इच्छा करे और वो इच्छा पूरी हो जाए, इससे बड़ा सुकून या ज़िंदगी की उपलब्धि कोई नहीं हो सकती। तो आपने ये सपना देखा था कि नेशनल चैनल खोलना है, नेशनल चैनल में बैठना है, और वो सपना पूरा हुआ। तो जैसा आप एक बात कहा करते हैं कि इच्छाएं खत्म हो जाएं और जीवन शेष रह जाए तो मोक्ष है, तो आपकी एक बड़ी इच्छा जो है वो पूरी हो गई भारत 24 के माध्यम से, तो मोक्ष के नज़दीक हैं आप। बाकी पीछे जो मैं टीम में देख पा रहा हूँ, उमर भाई हैं, बाकी शशि जी हैं और अजय जी हैं, संदीप हैं, पूर्णिमा जी हैं, अनीता हाड़ा हैं, बाकी सारे अदिति दिख रही हैं और कुछ लोग दिख रहे हैं, तो ये सब लोग वो हैं जो नीम का पत्थर है, मेरा ऐसा मानना है। ये बाद में अब इनके चेहरे दिखने लगे हैं, लेकिन चैनल को खड़ा करते समय इन सब लोगों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। और जितने कम समय में भारत 24 ने आकार लिया, जितने कम समय में ये देश के पहले कुछ प्रमुख चैनल्स में शुमार हो गया, ये अपने आप में एक बहुत ही तारीफ़ की बात है, काबिल तारीफ़ बात है। और वो निश्चित बात है कि वो लीडर अच्छे हैं, लेकिन उनके साथ टीम भी पूरी अच्छी है। पूरी टीम को मैं इसका श्रेय अपनी तरफ से भी देना चाहता हूँ। और इसमें कोई शक नहीं है कि भारत 24 की सिस्टर कंसर्न है फर्स्ट इंडिया, और यहाँ हम जितने भी लोग मौजूद हैं, यहाँ सारे लोग मौजूद हैं, वो सब भी एक परिवार के रूप में ही आपस में जुड़े हुए हैं। और जब भी भारत 24 की बात आती है तो फर्स्ट इंडिया की सारे स्टाफ की, सारे परिवार की बाँछें खिल जाती हैं। अभी भी आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल यहाँ हंसी खुशी का वातावरण ज़्यादा है। इनके चेहरे दिखाइए एक बार, यहाँ हमारे इनके हंसते हुए चेहरे दिखाइए। तो ये जो परिवार में एक उल्लास का वातावरण है, तो आपका एक्सटेंडेड परिवार है, आप देखिए तालियां बज रही हैं और कितना बस अब शब्दों की जरूरत नहीं रही है, अब शब्दों की जरूरत नहीं रही है, भावनाएं व्यक्त हो चुकी हैं सारी। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। ऐसा है सीओ साहब, धन्यवाद, मेरा भाषण भी आपने दे दिया और इतने सुंदर तरीके से दिया कि मजा आ गया सुन के जो है। और अपन बात कर रहे थे इन दो सालों की, तो निश्चित तौर पे जो हमारी एडिटोरियल पॉलिसी थी, वैसे तो पवन जी ने बता दिया सारा समाप्त करके, जो है वो थी अपनी विजन ऑफ न्यू इंडिया, विच इज़ प्राइम मिनिस्टर स्लोगन, हमारा टैगलाइन भी यही है। उसको हमने दो सालों में बहुत अच्छे से जिया, और मुझे कहते हुए खुशी है कि आज सत्ता तंत्र में जिन चैनल्स की गिनती होती है, जिन्हें 24 घंटे देखा जाता है, भारत 24 शायद सबसे आगे है उसमें जी। हमारी न्यूज़ का जो रिएक्शन टाइम है वो 30 सेकेंड्स है। कोई खबर यहाँ चली, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट कहीं टॉप लेवल से आता है तो 30 सेकेंड में आता है। इसका मतलब यह है कि वो चैनल को लगातार कोई देख रहा है। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि आपका चैनल मॉनिटरिंग में है, तो उनके चेहरे पर बड़ा भाव ऐसा उदासी और चिंता होता है मॉनिटरिंग में। मैं कहता हूँ तुम्हारा भाग्य कि तुम मॉनिटरिंग में हो, तुम देखे जा रहे हो, ठीक है ना। तो भारत 24 ने दिल्ली में वो स्थान प्राप्त कर लिया है जो है। आप देखिए सबसे ज्यादा लाइव कवरेज, चाहे प्राइम मिनिस्टर का हो, होम मिनिस्टर का हो, पार्टी प्रेसिडेंट का हो और लोगों का हो, यहां तक कि राहुल की यात्रा का हो, सबको कवरेज साथ लेके चलते हैं। क्योंकि बाय एंड लार्ज ये उमर भाई की भी मेरे साथ ही पॉलिसी रही है, बरसों से हमारे साथ हैं जो है। तो यही पॉलिसी रही है कि बाय एंड लार्ज वी आर फेयर एंड इंडिपेंडेंट बट इंटेलिजेंट सपोर्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी इररेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी इन पावर, जो भी है। तो बहुत अच्छे संतुलन रखा हमने, एडिटोरियल पॉलिसी सक्सेस है हमारी,
और अच्छे से चला सारा जिसे कहते हैं। और बीच में एक बात मैं भूल नहीं जाऊं, इसलिए पवन जी ने कहा कि मोक्ष की ओर है, तो सच है कि 7 सितंबर को मैं फिर एक बार आपको केक काटूंगा अपने बर्थडे पे। और 75वें जन्मदिवस पे अमृत काल में जिसे कहते हैं ये मोक्ष का द्वार जो भारत 24 के होके गुजरेगा, एक फिर केक कटेगा। अगली बार आप यही रहेंगे। वैसे पवन जी, ये पहले प्यार की लड़ाई हमेशा चलती रहेगी और ये अनएंडिंग है, आप ये मान के चलिए, दिस विल कंटिन्यू फॉरएवर। दूसरा जो है दूसरा मुझे एक लाइन याद रखना, सर ने आजादी का बहुत सब बोल दिया। हाँ। आजादी अब किसकी बिटवीन द लाइंस। एक वोट ऑफ थैंक्स बड़ा जो है अजय जी के लिए, हमारे साथ जुड़े, बड़ा सहयोग रहा। रूबिका लियाकत जी आई, उन्होंने भी आगे बढ़ा, हर आदमी ने अपना योगदान दिया। शमशेर भाई आए, सिद्धि भाई आए, और कुछ लोग आए साथ में, आए गए, वो तो दाना पानी से होता है, ठीक है ना। लेकिन मैं उन सबका आभार मानता हूं कि 2 वर्ष की यात्रा में उन सबका जबरदस्त योगदान रहा है और हर व्यक्ति ने योग दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग आज भी हमसे जुड़े हुए हैं। अजय कुमार जी हमारे साथ हैं, देखिए हमारे इमरजेंसी में जब कोई सहायता की जरूरत होती है, कोई एडिटोरियल लाइन लेनी होती है, तो इन्हें हम फोन करते हैं, दैट वे जो है। तो ये इनका इनका उभार जो है। और रही बात इसकी कि खबर ही जीवन है, वो आज तक जिंदा है। ये पहला चैनल है देश का भारत 24 जो सही मायने में नेशनल न्यूज चैनल है। 29 राज्यों की 600 खबरें रोज कवर होती हैं। आई मैडम, आई आगे आइए। हाँ, अनीता हाड़ा को आगे बुला रहा हूँ, वन ऑफ द पिलर्स ऑफ द चैनल। आई 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 आदिति तुम भी आ गए, थोड़ा अच्छे प्रयोग उधर शशि के पास, राजस्थान से कॉमन है ना, इसलिए दैट वे जो है। तो कुल मिला के 2 वर्ष बहुत अच्छे रहे, और एक अपेक्षा लोगों को ऐसी रहती है फाइनेंशियल मैटर्स में, तो मुझे कहते हुए खुशी है कि ये पहला चैनल है जिसने लोकसभा चुनाव में आचार संहिता से पहले लगातार 3 महीने तक ब्रेक इवन पे रहा, ठीक है। इसका मतलब है कि हम ब्रेक इवन के गेट पे खड़े हैं। अब एक दिक्कत आई कि 3 महीने आचार संहिता से विज्ञापन बंद रहे तो थोड़ा हमारा संतुलन बिगड़ा, ठीक है ना। तो आप अच्छे दिनों का इंतजार कीजिए, जब अच्छे दिन आएंगे हम आपके साथ हैं। आई विल शेयर माई वेल्थ विद यू, ऑलवेज विद यू, ठीक है। हाँ, तो ये पहला चैनल है जो काफी तेजी से चल रहा है। और जब बिजनेस की बात करते हैं तो हमारे प्रमुख सहयोगी मेरे साथ जो हैं मनोज जिज्ञासी, आज उनके घर में लक्ष्मी आई है, उसका उत्सव है वहाँ पे, वो आते जरूर यहाँ पे, उनका बड़ा भारी योगदान है एक टीम के रूप में। और जिन लोगों ने मिलकर चैनल का सपना देखा था, चौमर भाई थे, पवन जी थे, आदिति थी, मनोज भाई थे, सब लोग साथ थे, तो आज वो सपना साकार हुआ है। और कहने का तात्पर्य यह है कि न केवल एडिटोरियल, बिजनेस के क्षेत्र में भी अपने सीमित साधनों के साथ हमने 2 साल में जो रेवेन्यू कलेक्शन किया, अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बस थोड़ी सी कसर बाकी है कि ब्रेक इवन लौटे, फिर प्रॉफिट की ओर लौटें, और फिर हर उत्सव पे आपका भी क्या कहते हैं झोली भरें। इन्हें भी जो कहा जाता यह है। तो बस यही सब। आपने सर मनोज जिज्ञासी जी क्योंकि है नहीं, लेकिन उनकी तरफ से मैसेज आया हुआ है इस 2 इयर्स कंप्लीशन पर, एक बार उसको प्ले कर देते हैं। आज आप सबको न्यूज रूम में हंसते हुए देख के, मुस्कुराते हुए देख के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, क्योंकि ये जो बीज है, ये जो सपना है, ये उस एक शख्स की कहानी है, अगर जिसके बारे में अगर मैं बोलना चालू करूँ तो आई थिंक बहुत समय लगेगा, बट मैं कट शॉर्ट करता हूँ हमारे फाउंडर एंड चेयरमैन डॉक्टर जगदीश चंद्रा के बारे में। क्योंकि 2 साल पहले जब जेसी सर और मैंने मिलकर बात करी थी कि हम एक नेशनल चैनल लॉन्च करेंगे, तो मेरे को थोड़ा था कि जेसी सर हम नेशनल चैनल लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जेसी सर की अगर जर्नी आप देखें, ईटीवी नेटवर्क को खड़ा करने वाला आप नेशनल चैनल लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जेसी सर की अगर जर्नी आप देखें, ईटीवी नेटवर्क को खड़ा करने वाला आदमी, अगर रीजनल नेटवर्क को खड़ा करने वाला आदमी है,
जिसका जब भी नाम लिया जाएगा हिस्ट्री में जाके हम देखेंगे तो जेसी सर का नाम आएगा। और वो जी में भी गए और बाकी चैनलों में भी उन्होंने काम किया। बट भारत 24 की जब स्थापना हम कर रहे थे, जो उन्होंने नारा दिया हम सबको, विजन ऑफ न्यू इंडिया, जब विजन ऑफ न्यू इंडिया के बारे में बात करते हैं, ये विजन कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा ही प्रेरित है। क्योंकि जब 2047 में हम 100वीं स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, जो हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, तो ये नारा कहीं ना कहीं इसमें जेल होता है। और ये जो चैनल की स्थापना उन्होंने करी है, इसके पीछे सबका मेहनत है, विजन उनका बहुत स्ट्रांग था, इसलिए हम सब आज 2 साल जश्न कामयाबी मना रहे हैं, जो ये टैगलाइन हमारे एचआर ने दी है। और साथ साथ में इसमें सबका मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, उमर भाई का जो देख रहे हैं मुझे मुस्कुराते हुए, अनिता हाड़ा जी जो पिलर हैं, अनु हैं एचआर से, अमित बलैन है, बाकी जितने भी हमारे साथी हैं हमारे सेल से मार्केटिंग से, भीम नेगी आशीष, उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। कहते हैं कि जब तक आपके साथ आपकी एक स्ट्रांग टीम खड़ी ना हो, तब तक आप एक सक्सेसफुल जश्न नहीं मना सकते। तो आज वही जश्न मनाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। बट साथ साथ में आप सबको मैं धन्यवाद फिर से ज्ञापित करता हूँ, स्पेशली जगदीश जी का, जेसी सर का धन्यवाद। और जाते जाते मैं यही बोलना चाहूंगा, ये हमारा सबका नारा होना चाहिए, और नारा ये होना चाहिए, जहां तक भारत वहां तक भारत 24। वंदे मातरम। और हमारे कंसल्टिंग एडिटर शशि जी, जो देश के बहुत मूर्धन्य पत्रकार हैं, हिमाचल के पत्रकारिता जिनका कब्जा रहा है 21 साल तक 20 साल तक, उन्हें कहूंगा कि दो शब्द वो भी आज जरूर कहें। चलिए सर, थैंक यू सो मच। अभी सर ने कुछ सब कुछ कह दिया, इसलिए कहने के लिए तो बहुत कुछ नहीं रहा है। आप सभी को एक बार फिर से 2 साल पूरा होने की बहुत बहुत बधाई। और 2 साल मुझे लगता है कि खास तौर पर चैनल के अगर बात करें, किसी भी राष्ट्रीय स्तर का कोई चैनल अगर उसकी बात करें, तो मुझे लगता है अगर सबसे महत्वपूर्ण है तो पहले 2-3 साल ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वो न्यू है जब आप एक डायरेक्शन और एक लक्ष्य के साथ उस चैनल को स्थापित करने के लिए पूरा अपनी पूरी मेहनत और पूरा विजन उसमें लगा देते हैं, और उसके बाद ही ये तय होता है। जैसे बहुत सारे चैनल अभी हैं, आप अगर देखेंगे तो वो शुरू के 2 सालों के दौरान ही या तो उनके बारे में बिल्कुल स्थिति क्लियर हो गई कि वो किस ढंग से चलेंगे या नहीं चलेंगे। तो ये 2 साल इतने महत्वपूर्ण थे, और जिस ढंग से आप सब लोगों ने मिलकर इस तरह इस चैनल को एक स्तर तक पहुंचाया है कि आज राष्ट्रीय स्तर के चैनल्स में हमारी बड़े महत्वपूर्ण ढंग से बात होती है। और सर ने कहा कि एक रिकॉग्निशन है चैनल की जो सब जगह होती है, तो 2 साल की जो शिशु अवस्था मुझे होती है, उसके बाद जब आप चैनल ने खुद चलना शुरू कर दिया है, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि अब हम भागना शुरू करेंगे, और आने वाले वक्त में हम उस मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे जो कि लक्ष्य आपने सभी ने मिलकर सोचा है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आप फर्स्ट इंडिया के नॉमिनी हैं या चाहें तो बोलें। मैं अभी 2 साल की हूँ, फिर मैं 18 साल की होंगी, फिर मैं 22 की, फिर मैं 60 साल की, तो आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो विद ऑल ऑफ यू टुगेदर अंडर योर लीडरशिप सर। और थैंक यू सो मच सर, आपने खबर ही जीवन है के साथ एक्यूरेसी और स्पीड जो सिखाई है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वही हमें जगह बनाती है, स्थान बनाती है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। उमर भाई के लिए 2 शब्द कहूंगा, साइलेंट वर्कर हैं, पता नहीं सदी से हमारे साथ हैं, जाने कब तक साथ रहेंगे, सदी एक और सदी तक साथ रहेंगे। इनकी साइलेंट लीडरशिप में चैनल यहाँ तक पहुँचा है। आज आप स्क्रीन देख लीजिए, कंटेंट देख लीजिए, और जितने खास मौके होते हैं उन पे हमारा चैनल बिकॉज ऑफ योर लीडरशिप जो है ना, नंबर 2 नंबर 3 पे रहता है। सर आपने 2 शब्द गाए, मैं 2 शब्द ही बोलूंगा कि आपका आशीर्वाद और मेरी टीम का साथ, ये 2 शब्द ऐसे हैं जिसकी वजह से ये सक्सेस सबको मिल रही है। हाँ, वोट ऑफ थैंक्स भाई अनिता हड़ा। ऑन दिस सेकेंड एनिवर्सरी, सबसे पहले तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर जगदीश चंद्रा अपनी टीम के एक एक मेंबर को थैंक यू कहना चाहती हूँ। आप लोग जो यहाँ पर हैं और जो पूरे भारत में हमारे रिपोर्टर्स, इन्फॉर्मर्स और स्ट्रिंगर्स की एक फौज है, हर नेशनल चैनल से सबसे बड़ी, आप जो वहां पर जुड़े हुए हैं, डिस्टेंस में बेशक दूर हो, बट आप आज भी जेसी सर के दिल का हिस्सा हैं। तो एक एक टीम मेंबर को ये आपका सेलिब्रेशन है, ये आपका सक्सेस है, बिकॉज टुडे वॉट एवर वी आर, इट इज बिकॉज ऑफ यू। जैसे हम लोग कहते हैं द जेसी टीम, तो जेसी टीम की तरफ से
जेसी टीम की तरफ से मैं सभी का धन्यवाद करती हूं, जगदीश चंद्र सर आपका और पवन सर का. पवन सर थैंक यू सो मच, नॉट जस्ट फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, यू एडेड सो मच वैल्यू टू इट, बट फॉर एवरीथिंग, एंड दैट एवरीथिंग इज इन कैपिटल्स बाय द वे. जिनेंद्र, द कंप्लीट टीम देयर, और जैसे मैं कहती हूं, मेरे लिए ना तो फर्स्ट इंडिया अखबार अलग है, ना फर्स्ट इंडिया न्यूज, ना भारत 24, वी आर ऑल पार्ट ऑफ डॉक्टर जगदीश चंद्रा, और लुकिंग फॉर मोर ब्यूटिफुल डेज टू कम. थैंक यू सो मच और प्रेयर्स फॉर ईच वन ऑफ यू, माई बिलवड टीम मेंबर्स. तो देखिए कितनी खास तस्वीरें, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि भारत 24 की 2 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं और इस 2 साल के अंदर भारत 24 ने जिस तरह से राष्ट्र की आवाज को बुलंद किया वो भी आपने देखा. ऐसे में दो तस्वीरें भारत 24 की ऑफिस से, फर्स्ट इंडिया की ऑफिस से, जहां पर फिलहाल देखिए उत्साह नजर आ रहा है. हर एक चेहरा जरा आप देखेंगे तो देखेंगे कि खुशियां ही खुशियां हैं क्योंकि भारत 24 चैनल ने अपनी ग्लोरियस 2 साल यहां पर